सिद्धार्थनगर पर आरोप लगता है, इन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी वर्तमान में जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, हमने सबकी रिपोर्ट मंगाई है, किसी के खिलाफ कोई जांच है, किसी के खिलाफ जनप्रतिनिधियों की कोई शिकायत है, किसी के खिलाफ शिक्षकों की कोई शिकायत है, कोई भी जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है, सारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की फाइल मंगा रहे हैं। जो लोग दोषी होंगे, किसी भी दागी व्यक्ति को हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं बने रहने देंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा समय दीजिए, रिपोर्ट मंगा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। पिछले मंत्री जी थे, एक लिस्ट जारी करती हैं और 7 बीएसएफ को ट्रांसफर करती हैं और उसका एक हफ्ते के अंदर रोक दिया जाता है, क्या बात है इस पर? अब जब तक मैं इस दायित्व पर नहीं था, उस बारे में कोई जानकारी भी नहीं, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में एक अधिकारियों की नियुक्ति की, शिक्षकों की नियुक्ति की, स्थानांतरण की पूरी पारदर्शिता आपको मिलेगी। हमारी योगी सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का कायाकल्प करना है, उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा, पूरी पारदर्शिता के साथ प्रयास होता हुआ, परिणाम आता हुआ आपको बेसिक शिक्षा विभाग में दिखेगा।